दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे ETC कॉइन एथेरियम क्लासिक कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली इसकी प्राइस 41 USDT से ऊपर देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा अपट्रेंड इसकी प्राइस में करेंटली देखने को मिल रहा है। और कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसके प्राइस में 85-90% का क्विक पंप देखने को मिला है और लगातार अप ट्रेंड इसके प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है, प्रीवियसली इस कॉइन में आपने अगर बाई किया है, तो करेंटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा आपके लिए टारगेट्स रहेंगे एज अ ट्रेडर। जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके लिए क्विक सेल का टारगेट क्या रहेंगे, कहाँ पर आपको सेल आउट करना है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। करंटली अगर बात करें तो ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, बिटकॉइन, सारे कॉइन्स जो है उनमें एक अच्छा खासा मूवमेंट, एक अच्छी खासी क्विक रिकवरी देखने को मिल रही है। और एथेरियम क्लासिक कॉइन की बात करें तो रेगुलर इसकी प्राइस में एक अच्छे खासे स्पाइक, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी रिकवरी इसमें हमें देखने को मिली है। लगातार अप ट्रेंड हमें पिछले एक महीने से भी ज़्यादा टाइम फ्रेम से देखने को मिल रहा है। 12.4 USDT वाला इसने लो बनाया था यहाँ पर, प्रीवियस जो BTC में डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, जब BTC ने 17,000 को टच किया था, वहाँ पर इसने 12.4 पर वाले एरिया पर को टच किया था और ऑलमोस्ट 1 month तक इस एरिया पर इसने स्टेबिलिटी मेंटेन की थी। वहाँ पर इसको 13 USDT एक अच्छा सपोर्ट एरिया था जिसको इसने मेंटेन किया, जिससे ऊपर ये रेगुलर बना रहा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से एक अच्छा खासा पंप इसके प्राइस में हमें 14th of July से लगातार इसकी प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और वहाँ से अगर बात करें 13 से लेके करेंट प्राइस की बात करें तो 200% से ज़्यादा की रिकवरी इस कॉइन के अंदर करेंट प्राइस तक देखने को मिल गई है। 220% मान सकते हैं 13 से लेकर के 42 ऑलमोस्ट 39 पर 200, ये 3x ये कॉइन हो गया था और करेंटली 42 को इसने टच किया है। पिछले 2-3 दिनों से जो कैंडल्स हैं वो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसकी प्राइस में 90% से ज़्यादा का क्विक पंप है। प्रीवियसली भी एक रिकवरी हमें देखने को मिली, फिर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। यहाँ पर सपोर्ट एरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 22 USDT इसको सपोर्ट एरिया देखने को मिला था। प्रीवियस जो इसने पंप लिया था उसके बाद 22 USDT इसको स्टेबिलिटी मेंटेन की और 22 USDT एक अच्छा सपोर्ट एरिया देखने को मिला। वहाँ से भी अगर देखें तो एक अच्छा पंप है। अब अगर आपने इस कॉइन में एंट्री ली है तो करेंटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसको 41 USDT रेजिस्टेंस एरिया है और 34 USDT को सपोर्ट एरिया है, जिससे ऊपर इसने क्लोज तो किया है। डेली क्लोजिंग जो आज की है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 31-32 का अराउंड हुई है। अब आज की जो कैंडल क्लोज है जो सुबह होगी वो अगर 34 से ऊपर ही करता है तो 36-37 या 35 का अराउंड में स्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। प्राइस आज यहाँ पर 45 या 48 को भी टच कर सकती है क्योंकि लगातार अप ट्रेंड है। ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, बिटकॉइन में अच्छी रिकवरी है, बिटकॉइन 10% पंप के अंदर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो फियर का माहौल है मार्केट जो है वो अच्छे अपट्रेंड के अंदर है, फिर भी हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। देखिए यहाँ पर इसको 42 वाले एरिया को इसने टच किया, अच्छा मूवमेंट है, क्विक रिकवरी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर एंट्री ली है उनको यहाँ पर सेल आउट करना है। 41 USDT से ऊपर वाले एरिया पर एक कॉइन गया था। करेंट जो प्राइस चल रही है आपकी जिस भी एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर आप 80% पार्ट अपना सेल आउट करें। जो भी आपके पास ETC टोकन है, आपने अगर 20 USDT, 22, 24, 25 पर भी बाई किया है और एज अ ट्रेडर एंट्री ली है, वो अपना 80% पार्ट करेंट प्राइस पर सेल आउट करें 41 के अराउंड में जहाँ भी। उसके बाद 20% पार्ट का थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं और 42 को यह गया है, 45-46 तक ये जा सकता है अभी नाइट के टाइम फ्रेम तक। 4 आवर का चार्ट भी अगर देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी लगातार अप ट्रेंड है। इस एरिया पर स्टेबिलिटी 22-23, तो देखिए यहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी ये वाले जो एरिया है 30, जैसा मैंने आपको बताया 30 से 35, 36, 33, ये वाले एरिया पर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिलने का तो। और लाजमी है इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसके बाद करेक्शन होता है, चाहे वो आज हो। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड है, कल जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, FOMC की मीटिंग हुई, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है
उसके बाद से ये अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर ये एक दिन या कल तक रहेगा, या फिर अगर ज़्यादा अप ट्रेंड रहेगा, ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, तो वो 3-4 दिन रहेगा। BTC 25-26 को ट्राई कर सकता है। तो ये कॉइन भी आपको 4850 तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। अच्छी रिकवरी हुई है तो जिस कॉइन के अंदर अच्छी रिकवरी होती है वो उतना ही करेक्शन भी लेता है। यहाँ से अगर ये कॉइन 50% भी टूटता है, 40% भी टूटता है, तो प्राइस आपको ऑलमोस्ट 30 USDT से भी नीचे देखने को मिल सकती है। तो 80% पार्ट आपको यहाँ पर सेल आउट करना है, उसके बाद 45 पर आप 20% पार्ट सेल आउट करें, उसका सेल लिमिट लगा कर रखें। जब भी प्राइस नाइट के टाइम में जब भी जाती है आपका सेल हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको थोड़ी देर में इसकी प्राइस देखने को मिल जाए, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा वहाँ तक। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर जिन लोगों ने एंट्री ली है शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ से इसको 41 के बाद 49 USDT रेजिस्टेंस एरिया, तो 50 USDT अपना टारगेट रखें शॉर्ट टर्म वाले। सो 50 USDT पर सेल लिमिट लगा के रखें, प्राइस जाए हिट होगा टारगेट, सेल आउट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप होल्ड करते हैं, देखिए इस कॉइन की अगर बात करो तो इसमें 12 USDT से रिकवरी हुई है, अच्छी रिकवरी। वहाँ से अगर देखें तो 350% से ज़्यादा की रिकवरी हो चुकी है। और इसी कॉइन की अगर बात करें तो जब मैं शुरुआत करी थी आज से बहुत टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, यानी कि 15 से 18 महीने हो चुके हैं, उस टाइम शुरुआत में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उस कॉइन के अंदर मैंने एंट्री ली थी 2000 रुपीज़ से, मैंने एंट्री ली थी ऑलमोस्ट 5500 के अराउंड में, यानी कि 80 USDT के अराउंड में इस कॉइन के अंदर एंट्री ली थी। और वो वहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिला प्रीवियसली, और लगातार डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। मेरा वो जो अमाउंट है अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। वो 2000 रुपीज़ 800 के अराउंड में करंट चल रहा, 400-500 भी करंट जो डाउन ट्रेंड था उसके अंदर चला गया था। लेकिन एक होप रहती है, एक जो माइंडसेट रहता है, उसके बाद से मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट करी। उसके बाद से रेगुलर बेसिस पर मैंने अपनी लर्निंग पर ध्यान दिया, स्किल्स पर, टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान दिया, और लगातार। और आज के अगर टाइम की बात करें तो आपने अगर चैनल को फॉलो किया है और चैनल को आप वॉच कर रहे वीडियोज़ वगैरह, तो आप खुद देख रहे होंगे कि किस टाइप से मैंने आपको कॉइन शेयर किए हैं, एंट्री पॉइंट शेयर की थी, और वहाँ पर आपने प्रॉफिट भी कॉइन के अंदर, बहुत सारे कॉइन के अंदर प्रॉफिट भी अर्न किया, और एक अच्छे अपोस्टी के अंदर एंट्री भी आपने ली। तो वो सारी चीज़ें होती हैं और ये ही आपको करना है। मार्केट में सबको यहाँ पर लॉस होता है, कोई भी प्रो ट्रेडर नहीं रहता है, वो धीरे धीरे सीखता है और धीरे धीरे ही अच्छा ट्रेडर बनता है। वो भी 80% टाइम से, कोई भी प्रो ट्रेडर हो वो भी 80% टाइम से ही प्रॉफिट बुक कर पाता है। 20% उसको भी लॉस रेगुलर बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता, सबको लॉस होता है। तो लॉस से ही हम सीखते हैं, पर ये है कि टाइम से सीख जाएं। और हमने जो, मैंने या फिर जो भी आपके जिस जहाँ से भी आप सीखते हैं, उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पर मिस्टेक की वो आप नहीं करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इस कॉइन के अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी है, ऊपर की तरफ आपको ट्रेप नहीं होना ही, नहीं तो आप ऊपर की तरफ बाय करके ट्रेप हो जाए, फिर आपका कमेंट आए कि हमारा यहाँ पर, हमने इस कॉइन में 38 पर एंट्री ली है, 37 पर, अब प्राइस 30 USDT आ गई, अब क्या करें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको आराम से 80-90 USDT की प्राइस इस साल के लास्ट तक भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से अगर देखें तो इसको 100% का एक और पंप लेना है, और अगर यहाँ से करेक्शन लेता है, 30 USDT पर स्टेबल होता है, तो 200% का करेक्शन, जो कि बहुत ही कम है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर। बाकी यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहें।